दोस्तों GoPro एसेसरीज किट के अंदर जो चीज हम लोगों को मिलती है मैं आपको एक एक करके पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है एक GoPro का कवर और इसकी मदद से आपका जो GoPro है वो सेफ रहने वाला है, रबड़ का है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो मिल जाते हैं इसके लेंस कवर, इसको लगाने के बाद जो आपका लेंस सेफ रहने वाला है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक गेट, ये वाला, इसको निकालने के बाद जो आप इसको लगा दोगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली चार्जिंग भी कर सकते हो। गेट बंद रहेगा तभी आप चार्जिंग कर सकते हो, लेकिन जो GoPro के साथ जो आता है उसमें आप बिना गेट को खोले चार्जिंग नहीं कर सकते। चार्जिंग करते करते आप जो अपने वीडियो शूट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्टिक, इसकी मदद से जो आप अपने GoPro को अपने हाथ में ऐसे पहन सकते हो और इसको जो GoPro में लगा सकते हो, तो आपका जो GoPro है वो गिरने के चांस कम हो जाते हैं क्योंकि आप अपने हाथ में इसको पकड़े हुए हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है दो बैग्स और इस बैग्स के अंदर क्या हम लोग देखते हैं, और इस एक बैग को खोलने पर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टेम्पर्ड ग्लास, ये फ्रंट में लगेगा बड़ी स्क्रीन पे और ये लगेगा हमारे लेंस पे और ये वाला लगेगा शायद पीछे की तरफ। तो ये तीन हम लोगों को टेम्पर्ड ग्लास मिल जाते हैं। यहाँ पर ये स्टिकर मिल जाता है, इनकी मदद से जो है अपने लेंस पे लगाने के बाद जो अपने आप GoPro पे लगाओगे जिससे कि हाथ वगैरह लेंस पे ना लगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है छोटे छोटे टिश्यू पेपर, इसकी मदद से आप ड्राई और वेट, मतलब जब आपका GoPro गीला हो तो आप ये वाला यूज करोगे वेट वाला हरा वाला, अगर आपका GoPro जो ड्राई है तो आप ये वाला यूज करोगे पिंक वाला। इसको खोलोगे टिश्यू पेपर को, इसको निकालोगे और अपने GoPro के लेंस को जो साफ करोगे और उसके बाद जो लेंस है इसको जो अपने GoPro पे चिपका दोगे। तो करना कैसे कैसे जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। इस बैग में भी सेम चीजें हैं, जो अभी हम लोगों को लेंस वगैरह मिला ना, तो इसमें भी सेम चीजें हैं, दो बैग हम लोगों को मिल जाते हैं। जल्दी से इसको जो सेटअप करते हैं। अब दोस्तों जो हमारा GoPro है वो एकदम सूखा है, गीला नहीं है, तो हम लोग जो है पिंक वाला यूज करने वाले हैं, ड्राई वाला इस तरह से। तो उसके अंदर इस तरह का टिश्यू पेपर मिलता है छोटा सा, तो और छोटा दे देते हैं यार, इतना छोटा सा है। और उसके बाद हम लोग जो अपने लेंस को जो है साफ कर देंगे इस तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ हो गया है। इसको ले लेंगे, ये जो स्टिकर है ना, ये स्टिकर को छुटाएंगे, इसको इस तरह से पीछे साइड में लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया। इसको जो है छुटा देते हैं, अब इसको इस तरह से ही पकड़ना है। अब इसको जो है अपने GoPro पे बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे, देखिए हो गया, और ये ऑटोमेटिक पूरा चिपक जाएगा, पूरी तरह से जो है चिपक गया है। इसी तरह से हम लोग अपने लेंस पे लगाएंगे, क्लीन कर लेते हैं। तो लेंस वाला ये रहा, तो हम लोग जो है स्टिकर को हटा देंगे। जो है लेंस पे भी लगा दिया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गया है। अब हम लोग इस वाली स्क्रीन पे लगाएंगे, अब ये वाला निकालेंगे, इसको भी जो हटाएंगे, अच्छे से लगा दिया है, बिल्कुल बीच में लगा दिया है। इस तरह से हमारा जो GoPro है वो परफेक्ट हो चुका है। जो इसका गेट है उसको चेंज करेंगे, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है पुल करेंगे, खींचेंगे, ये देखो। अब इसको जो इस तरह से निकाल लेंगे, देखिए अलग हो गया। अब इस वाले गेट को जो लगा देंगे, लीजिए लग गया। अब आप यहाँ से चार्जिंग भी कर सकते हो और अपनी वीडियो बना सकते हो और अपना कैमरे का यूज भी कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग जो कवर को लगा दें, तो कवर ये इसको इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, इस तरह चढ़ा देंगे ऊपर, ये जो रबड़ का कवर है इसको जो है कवर कर लेगा पूरी तरीके से। रेडी हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से एकदम। अब देखिए ये जो इसका ग्रिप था ना, ये अब इसको इसमें लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, इसको जो है पतला करेंगे इसको इस तरह से, और ये इसके होल के अंदर इस तरह डाल देंगे, ये हो गया। अब इसके अंदर से हम लोग ये इसको निकाल देंगे, कि ये देखिए ये हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको अपने हाथ में इस तरह से पहन सकते हैं, इस तरह से व्लॉगिंग कर सकते हैं, इस तरह से गिरने का भी डर नहीं है। जब आप इसका यूज नहीं कर रहे हो, कवर को जो जरूर लगाएं जिससे कि कैमरे पर स्क्रैचेस वगैरह ना आए। तो हमारा GoPro है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपने सब कुछ सीख लिया होगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो के लिए। और आपको कोई सुझाव कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। और आपको मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो है shobyr25। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।